रिश्तों में सामने आने वाले चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए की गई छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। आपके पास दुनिया की कितनी भी दौलत और सफलता क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपका पार्टनर आपके लिए कुछ खास और रोमांटिक नहीं करता है, तब तक आप दिल से खुश नहीं होते हैं। एक सफल शादी के पीछे यही छोटी छोटी लेकिन अहम चीज़ें मायने रखती हैं। क्रिकेट की दुनिया के सबसे चहेते खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी शायद ये बात अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि शादी के 9 सालों बाद भी वो अपनी पत्नी साक्षी को इम्प्रेस करना नहीं छोड़ते हैं। धोनी और साक्षी दो ऐसे सेलिब्रिटी कपल हैं जिन्हें मीडिया की लाइट से दूर ही रहना पसंद है। वो अपने रिश्ते और प्यार की मीडिया के सामने शो ऑफ नहीं करते हैं। जबकि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में धोनी के चाहने वाले उनकी निजी ज़िंदगी के खूबसूरत और अच्छे पलों को ढूंढ निकालते हैं। धोनी की पर्सनल लाइफ और उनके परिवार से जुड़ी बातें कहीं से भी मीडिया के पास आ ही जाती हैं। लोग धोनी को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि उन्हें दिल से इसलिए भी चाहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान भी हैं। धोनी को ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान भी कहा जा सकता है। उन्हें अपने सफल या फिर अमीर होने का कोई घमंड नहीं है। वो जब भी किसी से मिलते हैं तो उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र होता है। वैसे धोनी काफ़ी देसी मिजाज हैं। वो कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो लोगों का दिल जीत लेती हैं। अपनी गाड़ी खुद साफ करने से लेकर ज़मीन पर कहीं भी लेट जाने तक धोनी की ये बातें फैंस को बहुत ही पसंद आती हैं। अब उसी कड़ी में धोनी का एक और जेस्चर भी लोगों का दिल जीत रहा है। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी हाथ में माइक लिए गाना गाते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि वो ये गाना अपनी बीवी साक्षी धोनी को देखते हुए रोमांटिक अंदाज में गाते हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर प्रीति सिमोस ने शेयर किया है। बता दें कि प्रीति धोनी और साक्षी दोनों की कॉमन फ्रेंड हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रीति लिखती हैं कि चेतावनी, आप ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखें। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मिस्टर माही, ये वीडियो पोस्ट करने के लिए मुझे मारना मत, लेकिन ये आवाज़ शेयर करने लायक है। साक्षी, तुम्हारा वीडियो भी जल्द ही आ रहा है। बता दें कि धोनी और साक्षी ने 4 जुलाई 2010 को शादी रचाई थी। इस शादी से दोनों के एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका नाम इन्होंने जीवा रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धोनी और साक्षी दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ा करते थे। इन दोनों के पिता भी एक ही कंपनी में थे। बाद में साक्षी देहरादून शिफ्ट हो गई थी, जबकि बाद में कोलकाता के ताज बंगाल होटल, जहां साक्षी इंटर्नशिप कर रही थी, धोनी और साक्षी की दोबारा मुलाकात हुई। उसके बाद फिर से ये दोस्ती गहरी हो गई और इनके बीच प्यार भी हो गया और इन्होंने शादी रचा ली।